माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। नहनु व नसल्ली अला सूदे करीम अम्मा बात फौजुल्लाह शिफाउल दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर खुदा से पहले हर इंतहा के बाद ذات نبوی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ مانتا ہوں میں ان سب کو مجھے اس پسند کرنے کے بعد۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ تو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو عید مبارک۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹਾਫਜ ਸਜਾਦਾ ਮਾਲ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾਗਣਾ ਰੇਤ ਦੇ ਚਕਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੇਖੋ ਹੈ ਇਹ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਣਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ जी दोस्तों आपने वीडियो देखी ये जनाब ऐ है अज मैं पंजाबी च गल करांगा जनाब ऐ है साडा ईमानदारी का मियार। देखो जनाब एक जिम्मेदार ने माशाल्लाह जनाब गंदम के विच दो तीन किलो जनाब रेत डाल के बड़े साइंटिफिक तरीके नाल जनाब उन्हें बोरियों के डाली तो जनाब तीन तकरीबन तीन तो चार किलो भी बोरी के पाई तो यह है जनाब साडा ईमानदारी का हाल है। असी लोग कहने कि हुक्मरान जनाब इस तरह के ने हुक्मरान इस तरह के ने जनाब असी खुद भी गंदे है तो रज के गंदे है जनाब साडा जिथे दा लगता असी हटते को नहीं है तो जनाब उनकी जिंदा मिसाल तुहाडे सामने हैगी है। छोटे लै छोटे तबके तो लैके वड्डे तबके तक जिंदा दा लगता है भाईजान कतरां दा कोई नहीं है, हर बंदा दाल आ जाता है। ए देखो जनाब माशाल्लाह फूड जिहड़ा गंदम माशाल्लाह पूरी दुनिया खाती है पूरा पाकिस्तान खाता है उनके विच सिर्फ चार पाँच किलो जनाब उन्हें रेट डाल के उन्हें क्यों अपने मान का सौदा किया। ये जनाब ये तो एक छोटी जी झलक है जनाब। इस तो पहले जनाब साढ़े इलाकों के जनाब रोड़े जोड़े रेल के जोड़े रोड़े होंगे रहे पटड़ी के वो जनाब पा के जनाब वेच आते सन यार ये खुदा का खौफ नहीं है वैसियत असी मुसलमान असी किहड़े पासे चल पे हैं यार कोई समझ नहीं आ रही पई। यकीन जानो जो बंदा सोचता है कि असी मर जाने तो यह जिहड़ियां दुनिया दी जिंदगियां ने गलतां ने ये जनाब खत्म हो जाणियां ने तो यकीन कर दो सारा जनाब जिहड़ी जिंदगी दी खुशी जिंदगी दी अनायत वो खत्म हो जाती है। लेकिन यार असी लोग पता नहीं की बन के बैठे हैं ये पता नहीं कि अगला साल आना है कि नहीं आना है। देखो बेईमानी रज के कर रहे हैं यही वजह कि साडा पाकिस्तान का नंबर माशाल्लाह दिन ब दिन थले आता जाता ईमानदारी दे तो पता नहीं कितने पहुँचा खड़ा है। तो दोस्तों ये जनाब ये तो एक छोटी जी झलक हैगी जनाब। इस तो अलावा जनाब हर चीज़ मिलावट हो गई है उसे जनाब ए थोड़े दिन पहले डीजल का शार्टेज हो गई डीजल जनाब उन्होंने की किया काला काला डी लैके ना सड़िया जरा जरा डीजल होंगे सड़िया तेल जिन कहने आप काला तेल कहने वो जनाब उन्होंने बेच मिला के कैमिकल मिला के वो जनाब साडे जिहड़े जिमीदार भरा ने या साडे जिहड़े दूसरे लोग ने उन्होंने दिता है उन्होंने गड्डिया तो आ जाओ जनाब तो ये जनाब वक्त वक्त दियां गल्लां ने तो इन्हें सानू सोचना पेगा अगर इसी ना सोचा तो असी नाकाम हो जाएंगे सानू सोचना पेगा। तो खुदारा हुक्मरानों को गालियां निकालने से पहले हमें खुद अपनी सलाह करनी चाहिए। असी आज ही सलाह तो करते नहीं जनाब असी हर उस बंदे ते अटैक कर देने देखो ना ए देखो दो चार किलो करने के वो जनाब की उन्हें खट लेना लेकिन गंदा हो गया रज के गंदा हो गया जहरील हो गया पूरी दुनिया के वीडियो वायरल हो गई तो जनाब इस तरह की गंदिया हरकत करके असी जनाब क्यों अपनी आखरत दुनिया खराब कर रहे हैं। तो कोशिश करो पाकिस्तान के बारे सोचो तो जे गंदे काम कर रहे हैं उन छो जिंदे रहो मसे हो ईद मुबारक असम।